होने यातायात जयपुर। राजस्थान में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई है, जिसमें कार्मिक विभाग ने जिसे आदेश जारी किए हैं। कपिल गर्ग बने हैं राजस्थान के नए डीजीपी, ओपी गल्होत्रा बने महानिदेशक गृह रक्षा जयपुर। इसी के साथ एमएल लाठर बने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशासन कानून एवं व्यवस्था जयपुर। पंकज कुमार सिंह बने हैं यातायात जयपुर। राजस्थान में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर, 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश, जिसमें कपिल गर्ग बनाए गए हैं राजस्थान के नए डीजीपी। इस पर हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, एक और तबादला सूची जारी कर दी गई है, 17 आईपीएस के तबादले हुए और बड़ा फेरबदल हुआ है इस सूची में। भानु, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ आपसे जी। जो मेजर सर्जरी आईएएस में की गई थी जी, वही बहुत स्मार्ट माइनर सर्जरी की गई है आईपीएस में जी। आईपीएस में आप इस सूची को अगर ध्यान से देखें, जो लोग राजस्थान को समझते हैं और इन अफसरों को समझते हैं जी जी, बहुत ही स्मार्टली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक काम किया है जी। उन्होंने जो डीजी एडीजी स्तर के लोग हैं, सिर्फ उनको छेड़ा है जी, और उन लोगों को लगाया है जिन पर उनका विश्वास है। फिर वो चाहे कपिल गर्ग हो, उमेश मिश्रा हो, दिनेश एमएन हो, ये इन लोगों को, बीएल सोनी हो, इन लोगों को वो जगह दी गई है कि अब इनके फीडबैक पर जी, जो जिला एसपी हैं उनके बदलाव होंगे। तो असल जो बड़ा सर्जरी का काम होने वाला है वो तो होगा अगले चरण में जी, लेकिन मुखिया बदल के अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपनी प्रशासनिक पकड़ का परिचय दिया है। भानु जी, प्रवीण जी, इससे क्या कुछ बड़ा फायदा राजस्थान को होने वाला है? जो नई सरकार बनी है वो इसको किस तरह से बड़ा इसका इस्तेमाल कर पाएगी? देखिए, अशोक गहलोत जाने जाते हैं एक तो सदाशयता के लिए, सहृदयता के लिए जी। तो उनकी जो अक्सर कहा जाता है कि ये अफसर खास है फला नेता का, तो अशोक गहलोत का खास होने के लिए नेताओं को सिर्फ ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी होता है। अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो अशोक गहलोत की गुड बुक्स में वो अपने आप आ जाते हैं। अशोक गहलोत आगे बढ़ के उनको उनके अच्छे कामों की बधाई देते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। तो कपिल गर्ग, जो कि 5 साल तक वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ आईपीएस होने के बावजूद उन्हें दरकिनार किया गया था जी, उन्हें सम्मान दिया गया है। इसके अलावा आनंद श्रीवास्तव को जयपुर कमिश्नर की पोस्ट देकर जी, एक जो लगातार अंदर खाने भ्रष्टाचार की जयपुर कमिश्नरेट में चर्चा चल रही थी संजय अग्रवाल के नाम को लेकर के, उसको बिल्कुल तुरंत थाम दिया है। और आनंद श्रीवास्तव बहुत कड़क अफसर माने जाते हैं, तो अब ये माना जाए कि जो जयपुर कमिश्नरेट है अब वो असल में कमिश्नरेट की तरह हरकत करना शुरू करेगी जी। इसके अलावा एस सिंघथीर जैसे दक्षिण भारतीय आईपीएस को लेकर आना और उन्हें महत्वपूर्ण पद देना, बीएल सोनी को एडीजी क्राइम बनाना, या फिर इसके अलावा दिनेश एमएन को इंटेलिजेंस का प्रभार देना जी, ये सभी बहुत बड़े संकेत हैं। और मैं इंटेलिजेंस का नाम तो इसलिए लूंगा कि न केवल उन्होंने जो एडीजी इंटेलिजेंस है वो उनको दिनेश एमएन को दिया है, बल्कि नीचे भी उमेश मिश्रा को लगा दिया है। और तो ये मान के चलिए कि इंटेलिजेंस को बहुत महत्व दे रहे हैं अशोक गहलोत, और ये जाहिर भी है कि चुनाव आने वाले हैं तो उसमें इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। और दूसरी बात, चुनाव से परे अगर बात करूं, इतर बात करूं, तो प्रदेश के हालात के जानने के लिए उन्हें ट्विटर, फेसबुक और इन पर निर्भर ना रहते हुए, न्यूज चैनल्स पर निर्भर ना रहते हुए वो सीधी जानकारी मिल जाए, इसके लिए दिनेश एमएन और उमेश मिश्रा से बेहतर कोई लोग हो नहीं सकते थे। लेकिन मानो साथ ही ये भी कहूंगा कि अभी असल सर्जरी बाकी है, असल सर्जरी तब होगी जी जबकि जिला एसपी बदल लिए जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, अभी असल सर्जरी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो बता दें कि पंकज कुमार सिंह को यातायात बनाया गया है। बड़ा राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं इसके तहत, और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां अजमेरी गेट पर बम होने की सूचना मिली है। अज्ञात नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरी कॉल आई है। सूचना के बाद बीडीएस टीम, क्यूआरटी टीम सहित पुलिस का भारी जाप्ता मौके पर पहुंचकर सघन जांच में जुट गया है। पुलिस इसे मान रही है अफवाह, फोन करने वाले की पुलिस कर रही है तलाश। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अजमेरी गेट पर बम होने की सूचना मिली है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां अज्ञात नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल आया। सूचना के बाद बीडीएस टीम, क्यूआरटी टीम सहित पुलिस का भारी जाप्ता मौके पर पहुंचा और सघन जांच में जुट गया। हालांकि पुलिस इसे महज एक अफवाह मान रही है, फोन करने वाले की पुलिस तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां अजमेरी गेट पर बम होने की सूचना मिली है। अज्ञात नंबर से पुलिस के पास फोन आया था, जिसके बाद पुलिस का जाप्ता, बीडीएस और क्यूआरटी टीम पहुंची है मौके पर और सघन जांच अभियान चलाया गया। हालांकि पुलिस इसे अफवाह मान रही है, फोन करने वाले की पुलिस तलाश कर रही है। अजमेरी गेट पर बम होने की सूचना, अज्ञात नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल आया। सूचना के बाद बीडीएस की टीम, क्यूआरटी टीम सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस इसे महज एक अफवाह ही मान रही है, फोन करने वाले की भी तलाश की जा रही है। इससे पहले भी शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी एक ऐसे ही बम होने की अफवाह मिली थी पुलिस को। जहां जो बाद में महज एक अफवाह साबित हुई और एक बार फिर पुलिस के पास अजमेरी गेट पर बम होने की सूचना मिली है, जिसमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अज्ञात नंबर से कंट्रोल रूम पर धमकी भरा कॉल आया। सूचना के बाद बीडीएस की टीम, क्यूआरटी की टीम सहित कई पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। इस पर हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर बम होने की एक सूचना मिली है, एक अज्ञात नंबर से फिर उसी तरह से फोन आया है जिस तरह से पहले आया था, और फिर से पुलिस जांच में फिलहाल जुट गई है। हालांकि पुलिस इसे भी महज एक अफवाह ही मान रही है। बिल्कुल बिल्कुल बानो, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इस खबर, इस अपडेट के बारे में, अजमेरी गेट पर पुलिस को, स्टेट कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल आया था कि अजमेरी गेट के पास कोई बम हो सकता है, जिसके बाद तुरंत जो कोतवाली संबंधित थाना है, कोतवाली थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा है। अब बीडीएस टीम मौके पर पहुंची है और इसके साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस टीम है, वो मौके पर पहुंची है। इसके अलावा दमकल, फायर विभाग और ट्रैफिक पुलिस कर्मी, वो भी मौके पर पहुंचे। इस वक्त अजमेरी गेट पर पुलिस ने एक तरह से कह सकते हैं कि सर्च अभियान चला रखा है, पूरे आसपास के इलाके में सर्च की जा रही है। हालांकि इसको भी पुलिस अफवाह मान रही है, क्योंकि एक धमकी भरा कॉल आया है और जब कॉल दोबारा से पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश की तो वही सेम सिचुएशन आ रही है कि जो कॉल करने वाला है वो बंद आ रहा है। सूचना ये भी आ रही है कि पुलिस ने इस शख्स को ट्रेस भी कर लिया है, शायद महेश नगर का रहने वाला है या उसके आसपास का रहने वाला है। पुलिस जल्द इसकी पहचान करके इसको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन कह सकते हैं कि एक बार फिर से किसी शख्स ने शहर के अंदर अफवाह फैलाने का काम किया है। झूठी सूचना दी गई है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले ही 16 तारीख को ही एक ऐसी सूचना मिली थी जिसके अंदर जयपुर शहर में 3 जगह बम होने की सूचना मिली थी। उसमें भी कोई अन्य आरोपी था जो कि प्रताप नगर का रहने वाला था, उसे पुलिस ने 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। उसने भी कुछ ऐसी सूचना दी थी, वो भी अफवाह निकली थी। एक कह सकते हैं कि कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर से सेम वैसी ही एक अफवाह उड़ी है। एक अलग शख्स ने इस बार धमकी भरा कॉल किया और पुलिस को परेशान करने की कोशिश की है। फिलहाल एक राहत की बात यह है कि जो सूचना मिली है वो कहीं ना कहीं गलत है, महज एक अफवाह है। अब पुलिस, जिसने भी इसको, इसकी झूठी सूचना दी है पुलिस को, पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। संभवतः पुलिस उसको जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। फिलहाल मौके पर जहाँ सूचना मिले पुलिस बल वहां पर तैनात है और इसके अलावा ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट भी किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि जो सूचना है वो महज एक अफवाह है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तमाम जानकारी के लिए। ये तो बता दें कि ये महज एक अफवाह ही पुलिस इसे मानकर चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी 16 तारीख को 3 जगह बम की अफवाह पुलिस को दी गई थी।
उस वक्त भी धमकी भरा कॉल आया था। हालांकि 2 घंटे में ही पुलिस ने फोन कर धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया था। और एक बार फिर उसी तरह से अब अजमेरी गेट पर बम होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां से लोग और जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। फिलहाल पुलिस मामले की तलाश कर रही है और इसे एक अफवाह ही मानकर चल रही है।